हेलो, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमें पता है कि जो वैश्विक महामारी चली हुई है, इसको देखते हुए आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, रुकावट आ रही है, उसको तो पूरा करने के लिए आपको एजुकेशन बर्ड्स में जो पढ़ाया जा रहा है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लोज किया जा रहा है। उसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारा रिविजन है जो फटाफट हो जाए और रिविजन के तहत तुम्हें कुछ फायदा मिले, ताकि तुम पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखो और तुम्हारी जो परसेंटेज ग्रोथ है वो ऊपर हो। अभी हमारे जैसे स्टेटमेंट सीबीएसई के लिए आया हुआ है कि किसका एग्जाम कराया जाए, नहीं कराया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तैयारी करते रहना है। एग्जाम होगा तो भी हमारे लिए अच्छा, नहीं होगा तो भी हमारे लिए ठीक ही है। अब बात आती है, ये तो सब चिंता करने की जरूरत है बोर्ड को, हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ चिंता करनी है अपनी पढ़ाई की और उसको बाधित नहीं करना, उसको रोकना नहीं है, लगातार उस पर चलते रहना है, फोकस डालना है। तो इसी के तहत हमने जो शुरुआत की है रिविजन में, तो उस रिवीजन में जो हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्थ यूनिट में, उसका सेकंड फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका, नियोजन और नीति आयोग। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारा जो चैप्टर है, वैसे भी हमें पर्यावरण के बारे में तो अध्ययन करते आ रहे हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मतलब अपने बाहरी आवरण, व्यक्ति का जो आसपास का आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण में तो हम सब जानते हैं प्राकृतिक संसाधन, हमें पता है कि जो पर्यावरण से हमें मिलते हैं वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और उन पर सबका अधिकार होता है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न हो करके सभी का उन पर अधिकार होता है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, पानी है, इन सब पे सबका अधिकार होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखना है, सबसे पहले हम जो हमारी भारतीय संस्कृति में मातृभूमि, पुत्रोहम, पृथिव्या, जो ही हमारा चैप्टर है मातृभूमि पृथिव्या, यानी कि माता क्या है हमारी, पृथ्वी, पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं, हम सब उसके पुत्र हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें अपनी पृथ्वी को बचाए रखना, अपने पर्यावरण को बचाए रखना है, उसको सुरक्षित रखना है और उस पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देना है। हमें पता है कि भारत में जो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 1730 की बात जो हमने देखा था, खेजड़ली गांव मारवाड़ में हमने देखा कि खेजड़ली गांव में यहाँ बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज जो कि 29 सूत्रों को मानने वाला समाज है, 20 प्लस 9, सबको पता है 20 प्लस 9 यानी कि 29, 29 सूत्रों को मानने वाला समाज और ये पर्यावरण का संरक्षक समाज है, इसने अपना बलिदान दिया था। अमृता बिश्नोई का आपने सबने नाम सुना है कि उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने सर धड़ से अलग करवा लिए थे। एक कहावत भी आपने सुनी है, सिर काटे रूख बचे, सिर काटे रुख बचे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। ये किसमें है, ये राजस्थानी कहावत है कि अगर सिर के कटने से हमारे पेड़ बचते हैं वो भी क्या है, सस्ता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बिश्नोई समाज राजस्थान में कितना सचेत, उसने इसमें ही आंदोलन चलाया जब किसी वो हाँ जब उस समय राजा था और उसने अपने फर्नीचर वगैरह सेट कराने के लिए जब पेड़ों को काटना शुरू किया तो उन्होंने जाके पेड़ों के लिपट गए और उनको काट दिया गया। तो ऐसे हमारे यहाँ शुरू से ही हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए उदाहरण हम देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में जिनके अभी सुंदरलाल बहुगुणा की अभी जिनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने भी उत्तराखंड में
इसके लिए आंदोलन चलाया था। तो ऐसे हमारे बहुत से उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं कि हम प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आगे अगला हमारा पॉइंट जो है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। सबसे पहले हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें तो भारतीय संस्कृति में तो पहले से ही सिखाया जाता है कि हमें पीपल में पानी देना है, क्योंकि हमें पता है पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें देता है और उसका हमें इसको लगाया जाता है, उगाया जाता है। हम तुलसा जी को भी, तुलसा जी की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तुलसा में भी जो एंटीबायोटिक हमें जो मिलती है। उसके बाद हम आंवला की पूजा करते हैं, तो आंवले से भी हमें विटामिन सी वगैरह मिलती है। यानी कि प्रकृति से जो हमें मिलता है उसके लिए हमारे पहले ही ऋषि मुनियों ने उसको किससे जोड़ दिया? हमारे अध्यात्म से जोड़ दिया, ताकि इसका हम संरक्षण स्वतः ही करें, मन से करें, हम उसको सम्मान दें। हमने पृथ्वी को माता का नाम दे दिया, आकाश को भगवान का, पिता का नाम दे दिया। क्यों दिया? ये तो हमारे सब पर्यावरण की चीज है, लेकिन हमने इनकी रक्षा करने के लिए, जब हम एक बच्चा होता है तो अपनी माँ की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है, इसी प्रकार हमें पृथ्वी की रक्षा के लिए भी हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उनको नाम दिया कि पृथ्वी हमारी माता है। इस पर हमें सुबह जब हम उठते हैं तो पहले माता को प्रणाम करते हैं, ताकि हमारा मेरा बोझ सहन करें। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से चला आ रहा है कि हम पर्यावरण की संरक्षण करें। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि ग्लोबल हम देखते हैं, वैश्विक देखते हैं, कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति ने जब जन्म ले लिया और इसमें यूज एंड थ्रो वाली स्थिति आ गई है, तो यहां लोगों ने पर्यावरण को गंदा करना शुरू कर दिया। इसलिए आज ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना है। 2016 में भी यूएनओ की रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व में बहुत कम पीने योग्य पानी है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, सबको पता, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने 2016 की रिपोर्ट में कहा कि विश्व के गरीब जो देश हैं उनके पास पीने का शुद्ध पानी भी नहीं है। हम भी देखते हैं अपने आसपास भी पानी शुद्ध नहीं, सीवर लाइन नहीं, सब मिली हुई है। तो ये सब क्यों गंदा हो रहा है? क्यों गंदा हो रहा है? क्योंकि हम गंदा कर रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है, सही करने की आवश्यकता है। आज जो चला हुआ है कि विश्व में इसका चिंतन का विषय बना हुआ है कि हमें इसमें पर्यावरण में सुरक्षा देनी है, पर्यावरण को बचाना है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। जैसे भी अभी भी बीमारी चली हुई है, कोरोना की महामारी चली हुई है, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से हमारे जुड़ी हुई है। तो हमें इसकी आवश्यकता है पर्यावरण के संरक्षण की। अगला पॉइंट हमारा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान हम जानते हैं अच्छे से कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी कि विश्व का जो तापमान है बढ़ रहा है, भारत पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और उसके कारण गर्मी हम देखते हैं अधिक पड़ने लग गई, और ये क्या कहलाया? वैश्विक तारवा। हमें ग्लोबल वार्मिंग से पहले, यानी कि वैश्विक तापमान से पहले हमें पढ़ना होगा, समझना होगा ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस क्या है? ये ग्रीन हाउस, देखो, ग्रीन हाउस पौधों को बचाने के लिए एक ऐसा कमरा बनाया जाता है जिसको चारों तरफ से कवर्ड कर दिया जाता है, जिसकी छत किसकी होती है? शीशे की होती है। उनमें बाहर की जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें एंटर तो कर जाती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण जो पौध गृह होता है, वो कमरा होता है, उसमें जो पौधे लगाए जाते हैं, सर्दी में वो जलते नहीं है, उनको लगातार गर्म तापमान मिलता रहता है। तो ये ग्रीन हाउस है। इसी प्रकार पृथ्वी को भी अभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस से प्रभावित हम मानते हैं, इसको हम मानते हैं। जैसे पृथ्वी भी क्या है? कमरे के रूप में है, और हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, इनका आवरण बना हुआ है। पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती है, उन किरणों से पृथ्वी का तापमान क्या रहता है? गर्म रहता है। हम सबको पता है पृथ्वी का तापमान किससे गर्म रहता है? सूर्य की किरणों से। और क्या होता है कि वायुमंडल से जब हमारी सूर्य की किरणें एंटर करती हैं, तो उसी आधार पर वो निकल जाती हैं, तो हमारा ठीक रहता है वातावरण। और लेकिन क्या हो गया कि ग्रीन हाउस गैसें जो हमने आज हमारे रहन सहन है, खान पीन है, व्यवस्था है, उपभोक्तावादी हमारी जो प्रकृति है, उसके कारण हमने ऐसे कई ऐसे खोज किए हैं जिनके कारण सीधा उस पर वो अटैक कर रहे हैं। और वायुमंडल में जो ये गैसें हैं, ये आवरण बना करके इन्होंने पूरा कवर्ड कर लिया है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, मीथेन, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं जिनके आधार पर क्या होता है कि
कि ये जो वायुमंडल का जो आवरण है उसको कवर कर लेती हैं, तो ये जो गैसें सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर एंटर तो हो जाते हैं लेकिन इनको निकलने का स्थान नहीं मिलता, और वो चारों तरफ उसको पृथ्वी के तापमान को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, और वो निकल नहीं पाती, और इस आधार पर ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो समझ में आ गया, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आती हैं और उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो पृथ्वी को गर्म कर देती हैं, और गर्म करने के कारण वो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और बढ़ने से हमारे ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके कारण हमें पता ही है कि कारण क्या क्या है इसके। जो व्यक्ति है, आज व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने जीने की शैली को ज्यादा उन्होंने डेवलप कर लिया है, उसको अपने नए नए खोजों के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे खाने पीने की चीजें हैं जिनके कारण हमारा ये हो रहा है। हम देखते हैं गैसें का विकास कर लिया, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर में है, AC में है, लोग हैं जो AC के बगैर सोते नहीं है, रेफ्रिजरेटर के फ्रीज के बगैर अपना काम नहीं कर पाते हैं, ठंडा चाहिए, ये चाहिए, तो इसे जो गैस निकलती है ये CFC, ये क्या करती है, हमारे जो वायुमंडल को कवर कर लेती है, और ग्रीन हाउस गैसों को, हमारे जो वायुमंडल में ओजोन परत है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि उसमें भी होल होना शुरू हो गया है। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, ओजोन परत का क्या काम है, ओजोन परत का काम है जो सूर्य से किरणें आती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको रोकना ओजोन परत का काम होता है। जब सूर्य से सारी किरणें आती है तो उन्हें पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक लेता है, और इसके आधार पर ये ज्यादा असर नहीं कर पाती पृथ्वी पर। तो क्या हुआ, ओजोन परत में अब वैज्ञानिकों ने क्या कहा, होल हो चुका है, छिद्र हो चुका है, अब इसमें छिद्र हो गया। अब छिद्र होने के कारण ओजोन जो परत है वो इन किरणों को नहीं रोक पाती है, और वो डायरेक्ट क्या करती है, पृथ्वी पर अटैक करती है। और ये ओजोन परत में छिद्र होने का रीजन क्या है, ये हमारी जीवन शैली है जिसके कारण हम रेफ्रिजरेटर के बगैर नहीं रह सकते, AC के बगैर नहीं रह सकते, इनसे जो गैसेज निकलती है वो हमारे ओजोन परत को प्रभावित करती है, उनमें छिद्र करती है, उसको बड़ा करती है, और वो हम पर प्रभावित होते हैं। तो हमारे समझ में आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग के जो होने के कारण कौन है, मनुष्य मात्र है, उसकी जीवन शैली है, वो उसके आचार विचार हैं, रहने का तरीका है, सारा इसके कारण, क्योंकि हम आज आचार विचार से उपभोक्तावादी हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले हो गए हैं। पहले हमने देखा था कि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था लेकिन भारतीय लोग भी ऐसा करने लगे। अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो हर घर में आपको हर रूम के लिए AC मिल जाएगा, हर रूम के लिए फ्रिज मिल जाएगा। तो ये सारी स्थिति क्या है, हम कुछ ही दिनों के लिए जिएंगे, बाकी हमने अपना पूरा वातावरण खराब कर लिया है, दूषित कर लिया है। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं देने वाले, उनको सिर्फ बीमारियां ही देंगे। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, यानी कि जब ये हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, जल रही है, तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है, हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियां हुई हैं, चमड़े की, हमारे जैसे चमड़ी जल जाती है, लोग आज बाहर धूप में निकल नहीं सकते। पहले तो लोग कितना धूप में कार्य भी करते थे, सभी धूप में ही रहते थे ज्यादातर, लेकिन अब क्या है, अब हम धूप में निकल नहीं सकते, कपड़े ढक के चलते हैं, पहन के चलते हैं, पूरे कवर करके चलते हैं, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं हमारी चमड़ी को क्या कर देती हैं, उनकी पराबैंगनी किरणें हैं जो हमारी चमड़ी पर रोग पैदा कर देती हैं, बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कितना, 0.6 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ गया है, इसका तापमान बढ़ गया है। और देखें तो सबसे ज्यादा जो गर्म वर्ष था ये 1895 था, यहाँ ये वर्ष सबसे ज्यादा गर्म था, और उसके बाद 2012 वाला सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा, क्यों रहा गर्म वर्ष, लेकिन अभी थोड़ा सा जो हमने देखा कि लॉकडाउन की स्थिति में हमने अभी तक गर्मी के ज्यादा एहसास नहीं किया, फिर उसके बाद ये हमारा जो चक्रवात आ गया था इसके कारण भी ताऊ थे, इसके कारण भी हमारा थोड़ा मौसम सही हो गया, हालांकि इसने नुकसान तो बहुत किया है, लेकिन आसपास का मौसम जो ठीक हो गया, हम गर्मी को ज्यादा, गर्मी में थोड़ी हमें राहत मिल गई, फिर भी इसका प्रभाव हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ रहा है कि तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी कि पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है लगातार। उसके बाद देखते हैं हम समुद्र सतह में बढ़ोतरी हो रही है, ये एक नंबर हो गया हमारा। दूसरा, समुद्र सतह में बढ़ोतरी कैसे हो रही है, समुद्री सतह में बढ़ोतरी, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर हैं
जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे जो ग्लेशियर हैं वो भी क्या होंगे, पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो वो कहाँ आएगा पानी, समुद्रों में आएगा। तो समुद्रों का जो पानी का सतह है उससे क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। ऊपर होगा तो क्या आएगी, बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो क्या होगा, आसपास का एरिया है जो डूब जाएगा, तट टूट जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। तो लगभग विश्व के अनुमान लगाया गया था कि 2020 तक विश्व के 14 द्वीप हैं जो जलमग्न हो गए। द्वीप जानते हैं ना, पानी के बीच में ऊपर टापू उठा हुआ, उसमें जनसंख्या रहती, जैसे जनता रहती, तो वो सब डूब गए। तो इसका समुद्र तल बढ़ा हो गया, ये भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तीसरा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सबसे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। हमने देखा चमड़ी के रोग की बीमारियां हो रही हैं, एलर्जी हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है हमारे किससे हो रही है, इस तापमान के, यानी कि बढ़ने से, विश्व के तापमान बढ़ने से, वैश्विक तापमान बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ रहा है। अगला, पशु पक्षी और वनस्पतियों पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से पशु पक्षी तो बेचारे मर रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे पशु देखते हैं, ऐसे पक्षी देखते हैं, छोटे छोटे पक्षी देखते हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है, वो क्यों लुप्त हो गए, क्यों लुप्त हो गए, क्योंकि उनको आवरण ये सूट नहीं कर रहा है, और ये सूट नहीं कर रहा तो अचानक अपने स्वतः ही खत्म हो गए और हमें पता तक नहीं चल रहा। और वनस्पति, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको हम समाप्त ही मानते हैं, जिनको हम किताबों में ही पढ़ पाते हैं। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि ये जो तापमान है इसके कारण इस पर असर आया है। अगला जो है, शहरों पर असर। हम जानते हैं कि आज जो जनसंख्या है तो शहरों में बढ़ रही है। क्यों, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है और उसके कारण लगातार क्या हो रहा है, शहरीकरण पर असर हो रहा है, और इससे शहरों का जो वातावरण है वो भी दूषित हो रहा है। तो ये हमारे इसके प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है। अगला, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य कारक, यानी कि किन किन किस आधार से हमारे ग्रीन हाउस गैस यानी वायुमंडल में जो दूषित गैसें हैं वो पनप रही है, वो कौन कौन से ऐसे हैं, उनका कारक क्या है, उनके प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हमने देखना पावर स्टेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पावर स्टेशन से जो है इनसे कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 21.3% बढ़ रहा है हमारा, 21.3% बढ़ रहा है। इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों से कितना बढ़ रहा है, 16.8% बढ़ रहा है। इसी प्रकार यातायात के जो साधन है हमारे, वाहन जो है उनसे कितना बढ़ रहा है, 14.4% बढ़ रहा है। खेती जो है, किसान जो है जो खेती करते हैं उनमें जो इस्तेमाल लेते हैं खाद बीज का, उनकी कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 12.5% बढ़ रहा है। उससे भी हम देखते हैं कि रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है, तो रासायनिक खादों से भी हमारे ये ग्रीन हाउस पड़ रहा है, इसमें गैसेज निकलती हैं और वो इसका बढ़ोतरी करती हैं। जीवाश्म ईंधन जिनको हम जलाते हैं, लकड़ी है, कोयला है, इनको जलाते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं, और हम बिजली का उत्पादन भी जीवाश्म ईंधन से करते हैं, तो इससे भी हमारा कितना बढ़ रहा है, 11.3%। रहवासी क्षेत्र, रहने के स्थान, हम रहते हैं जहाँ कचरा करते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का लगातार हम दे रहे हैं इस पर्यावरण को, तो उससे भी कितनी बढ़ रही है, 10.3% बढ़ रही है। बायोमास जलने से, यानी कि इस गैस के जलने से भी कितनी, 10% जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। कचरा जलाने से, जो हमारे कचरा होता है उसको जलाने से भी हम 3.4 की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे जो कारक थे जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के, तो हमें इन पर कंट्रोल करना होगा। इसीलिए आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। अगला हमारा पॉइंट है उपाय। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर स्टेशन पे जो हमारा काम है उसको हमें कम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज में जो उद्योग है उनको हमें पर्यावरण के तहत ऐसा लगाना होगा कि ताकि वो ऐसी गैसें ना उत्सर्जित करें। हमें यातायात में भी ऐसे गैस का, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इनके धुएं से, वाहनों के धुएं से ये पर्यावरण प्रदूषित ना हो। किसानों से भी हमें कोशिश रहेगी कि रासायनिक खाद की बजाय हम जैविक खाद या हमारी जो प्राकृतिक खाद है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा कम ये गैसेज निकलेंगी और पर्यावरण पर प्रभाव कम डालेंगे। इसी प्रकार हमें हमारे रहने की स्थिति, जो हम आजकल सीएफसी गैस का ज्यादा ही उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी कि हमें फ्रीज वगैरह, एसी वगैरह इनका इस्तेमाल कम से कम करना होगा, ताकि हम अपने पर्यावरण के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोक सके, विश्व को बचा सके, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सके। तो ये हमें करना पड़ेगा। इसको आप फटाफट नोट आउट कीजिए, इसके बाद मैं अगला पॉइंट तुम्हें बताती हूँ। अगला पॉइंट जो हमारा है,
जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंता। हमें पता है कि आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो हम सब पूरे विश्व पर प्रभाव छोड़ रहा है। हमें पता है कि वैश्विक आपदाएं आ रही है, बाढ़, तूफान, ये सारे किससे? जलवायु परिवर्तन से। ये कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बहुत सारी प्रकृति इतनी गर्म हो जाता है, पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती है कि हम सहन नहीं कर पाते। ये सारी सब जलवायु परिवर्तन से ही हो रहा है। और आज ये जो विषय है पूरे विश्व का चिंतन का विषय बन गया है। पूरा विश्व उस पर चिंतित है कि क्या ऐसे उपाय करने चाहिए कि जो ये जलवायु परिवर्तन है उसको रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोका जाए, कि कौन कौन से कार्य किए जाएं। तो पूरा विश्व चिंतित है और सब मिल करके इस चीज का समाधान निकालना चाहते हैं। और इसी के लिए सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ 5 से 16 जून 1972 को, हमें पता है कि 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जो हम आने वाला है 5 जून हमारी, उसको हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ से पर्यावरण की जो चिंता करते हुए पूरे विश्व ने जो एक डिसीजन लिया कि हमें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर सबको मिलकर के एक साथ काम करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। तो इसकी शुरुआत 5 जून से हुई, इसीलिए हम इस दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 5 से 16 जून तक 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन जो है वहां पर ये सम्मेलन चला। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के सभी सदस्यों का ये सम्मेलन चला। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो हमारी पुस्तक में हैं, उनको मैं तुम्हें सारा नहीं समझा सकती, लेकिन तुम्हें उसमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे डिसीजन लिए गए थे जिसके माध्यम से ये सम्मेलन बहुत ही सफल हुआ। इसकी 10वीं वर्षगांठ में, यानी इसके जस्ट 10 साल बाद में दूसरा सम्मेलन हुआ 10वीं वर्षगांठ में, कि इसके 10 साल बाद में फिर 10 से 18 मई 1982 को ये सम्मेलन हुआ नैरोबी में। ये जो स्थान है केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी, यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। उसके बाद जस्ट इसके तो उसके 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था इस सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर, ये तो 10वीं वर्षगांठ पर हुआ, फिर ये 20वीं वर्षगांठ पर हुआ 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील, वहां ये सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए और बहुत महत्वपूर्ण इसमें संधि की गई। तो इसके 10 साल बाद में हमने देखा, ये याद रखना, डेट याद रखना हमें, कि 5 से 16 जून 1972 में सम्मेलन कहाँ हुआ जलवायु परिवर्तन को लेकर के? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। उसके बाद 10 से 14 मई 1982 में कहाँ हुआ? नैरोबी की राजधानी, केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ। उसके बाद 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ और ये ब्राजील में स्थान है। इसमें एक संधि हुई, उस संधि का नाम क्या था? यूएनएफसीसी, यानी कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये संधि हुई और इस संधि पर हस्ताक्षर किए सभी राष्ट्रों ने, जो भी उसमें सम्मिलित थे उन सब ने संधि पर हस्ताक्षर किया। और इस संधि का मुद्दा था कि आगे आने वाले जो सम्मेलन होंगे उसमें हमें क्या क्या सुधार करना है। तो ये UNFCCC जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका नाम, किसका पूरा नाम बताइए? UNFCCC का तो क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगला पॉइंट हमारा है इसमें 2014 में। तो ये सम्मेलन हमारा जो हमारी बुक में है उसकी पूरी डिटेल दी गई है, उसमें सम्मेलन में क्या क्या हुआ, किस किस पर समझौता हुआ, क्योंकि इस संधि के तहत यहाँ जो परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें कि UNFCCC संधि के तहत जो हमारे सम्मेलन में अगला 2014 का सम्मेलन था उसमें सारे उसमें दिए गए हैं। तो हमें अपनी बुक में से वो याद कर लेना है। और इसको कब हुआ ये? ये 2014 में हुआ, 1 से 14 दिसंबर 2014 में हुआ। और इसमें लगभग 194 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इसको COP20 का नाम दिया गया। तो हमें पता लगना चाहिए कि एक नंबर का हमारा एक क्वेश्चन हैगा कि COP20 कब हुआ। तो COP20 कब हुआ? 1 से 14 दिसंबर 2014 को। इसके बाद हमारा जो
इसकी उपलब्धि थी सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट यही था कि इस सम्मेलन से हमने क्या उपलब्धि हासिल की, इसमें ये की कि सभी राष्ट्रों की सहमति बनी कि वैश्विक कार्बन जो उत्सर्जित है उसमें कटौती की जाएगी। अभी तक जो सभी राष्ट्र सम्मिलित, क्योंकि विकसित राष्ट्रों ने तो अपना विकास कर लिया था और विकासशील राष्ट्र थे, उनकी समस्या थी कि अभी तो हमने विकास में कदम रखा है और अभी हम पर बैन लगाए जा रहे हैं तो वो कहाँ तक उचित होगा। तो इसके लिए उन लोगों को, उन राष्ट्रों को छूट दी गई कि तुम्हें कुछ छूट दी जाती है इसके उत्सर्जन में, लेकिन कुल मिलाकर के वैश्विक कार्बन जो उत्सर्जन है उसमें कटौती के लिए सभी राष्ट्र क्या हो गए, सहमत हो गए। तो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट उपलब्धि थी COP20 की। COP20 में कितने 194 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट रहेगा। इसके बाद आता हमारा इसी में अगला जो दिया गया पेरिस सम्मेलन का भी बताया गया कि जो हमने कटौती वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में की है वो कितनी की है, इसका विवरण हमें आने वाला जो सम्मेलन है पेरिस सम्मेलन उसमें हमें देना होगा। तो ये आगे वाला पॉइंट था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन 2015 इसका जो सम्मेलन था ये हुआ पेरिस, पेरिस का फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये सम्मेलन हुआ। और ये कब हुआ, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को हुआ। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि COP21 कब हुआ, तो कब हुआ, इसको क्या नाम दिया गया, COP21। यानी कि 2015 का जो पेरिस सम्मेलन था 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ ये सम्मेलन। और इस सम्मेलन में भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, उनको सॉर्ट आउट किया गया। इसी परिवर्तन को लेकर पेरिस सम्मेलन के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उस समय भी थे और अभी भी हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने लिखा था, ट्वीट करके कहा था कि पेरिस समझौता जो है, ये कोटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेरिस सम्मेलन न तो किसी की विजय है और न किसी की हार। यह तो पर्यावरण को लेकर न्याय की जीत है। किसकी जीत है, न्याय की जीत है। यानी कि इसमें किस देश पर बैन लगाया गया, किनको उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन के लिए कटौती के लिए कहा गया, ये सब माना गया, सबने माना भी। और इसके लिए कहा कि ये किसी की हार या जीत का सवाल नहीं था, ये तो एक न्याय है किसके लिए, पर्यावरण के लिए। तो वही उसी समय पेरिस के जो राष्ट्रपति थे, सॉरी फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो उस समय मेजबानी, जो क्योंकि हमें पता है इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की, फ्रांस ने की, क्योंकि पेरिस में हो रहा है और फ्रांस के ही राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रपति ने उन्होंने कहा कि आज पृथ्वी के लिए महान दिन है। क्या है, पृथ्वी के लिए महान दिन, किसने कहा, पृथ्वी के लिए महान दिन, पेरिस सम्मेलन को कहा फ्रांस के राष्ट्रपति ने। तो ये हमारे लिए दो कोटेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमें याद रखना है। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण, यानी भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे तो हमें जानते हैं, अभी सभी पता ही है कि भारतीय संस्कृति जो हमेशा ही पर्यावरण के पक्ष में रही है, उसने हमेशा ही पर्यावरण को महत्व दिया है और शुरू से ही हमारी संस्कृति में पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किए गए हैं। फिर भी जब हमारा संविधान बना तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया गया, इसको आगे रखा गया। हमने मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्वों में, सब में हमने पर्यावरण को प्राथमिकता दी और इसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे हमारे अनुच्छेद डाले। सबसे पहले हमारा जो देखते हैं हम अनुच्छेद 48 जो हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और इसमें क्या कहा गया, नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 48 हमारा। हमें सबको पता है निर्देशक तत्व हमारे कहां से, शक्ति से क्या उन तक है,
अनुच्छेद 36 से 51 तक, याद रखना इसको। तो 48 में क्या कहा गया कि जो भारतीय संविधान है वो वन्य जीव और पर्यावरण का संरक्षण देगा, उनकी हिफाजत करेगा, उनका सहयोग, उनका संरक्षण उनको करेगा, यानी कि वन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको दंड का प्रावधान किया गया। दूसरा अनुच्छेद 51, ये हमारा क्या है, अनुच्छेद 51 ये भाग 4 में, ये हमारे मूल कर्तव्य है। इसमें हमारा मूल कर्तव्य जो है, क्योंकि हमें पता हमारे संविधान में हमें जो मूल था तब हमें 10 मूल कर्तव्य हमारे लिखित थे, उसके बाद लिखा गया नहीं, उसके बाद हमने संविधान संशोधन 44 के बाद में हमने मूल कर्तव्य को जोड़ा। उसके बाद में ये कैम में कहा गया कि वन, झील, नदी, इन सब का संरक्षण मनुष्य करेगा, इनको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये भी हमारा किससे संबंधित हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया। फिर उसके बाद आता है उपभोक्तावादी, सॉरी अनुच्छेद 21 सबको पता है क्या है, मूल अधिकार है हमारे, क्या है ये, मूल अधिकार है। और इसमें क्या कहा गया कि जीवन और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने वाले, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वालों को सरकार रोकेगी, यानी कि पर्यावरण के तहत जो भी खतरा मनुष्य को होगा उसको रोकेगा और मनुष्य के जीवन की रक्षा करेगी और उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगी। अनुच्छेद 252 और 53 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके तहत पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार कोई भी कानून बना सकती है ताकि पर्यावरण के संरक्षण दे सके। तो 252 और 53 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे आते हैं महत्वपूर्ण दिवस, जो ये हमारे मैथ्स में भी आता है इम्पोर्टेंट, कई बार पिछली बार भी आ चुका, मैथ्स में भी आएगा, एक नंबर में भी आ सकता है, मिलान में भी आ सकता है, तो हमें इसको याद रखना है, ये डेट हमें अच्छे से याद रखनी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको हमें याद रखना अच्छे से। अगला लास्ट हमारा पॉइंट जो एक है वो है उपभोक्तावादी संस्कृति। और उपभोक्तावादी संस्कृति तो हम सब समझ ही गए कि आज जो व्यक्ति है कैसा हो गया है, उपभोक्ता हो गया है, उपभोगी हो गया है, वो उसने अपनी वही संस्कृति अपना ली है। भारतीय संस्कृति में ये नहीं था, लेकिन हम पर भी कौन सी संस्कृति का प्रभाव आ गया, वेस्टर्न संस्कृति का प्रभाव हम पर आ गया, जो कि उपभोक्तावादी संस्कृति है, यहाँ यूज करो और फेंक दो, ऐसी स्थिति आ गई है। अब इसी के कारण जो हमारे ये पर्यावरण की समस्या आई हुई है, पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि अगर जब तक हम अपने पर्यावरण से नहीं जुड़ेंगे, पर्यावरण को अपना एक जीवन का अंग नहीं समझेंगे, तब तक हम पर्यावरण भी हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए हमें उपभोक्तावादी संस्कृति से बचना है, अपने आप को पुरानी अपनी जो संस्कृति भारतीय संस्कृति है उसमें आना है। तो ये हमारा जो पर्यावरण को लेकर के चैप्टर था, और इसमें मोस्ट जो बातें थी वो मैंने तुम्हें समझा दी। बाकी अपनी पुस्तक को भी अच्छे से रीड करना और उसे अच्छे ध्यान से पढ़ना, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और उसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैप्टर है, इसको ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।